आज हर कोई ये जानना चाहता है कि अयोध्या कितनी बदल गई है, अयोध्या में क्या क्या बन गया है, अयोध्या में कौन कौन से काम चल रहे हैं और अयोध्या के लोग आखिर क्या सोचते हैं। Bharat 24 की पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने अयोध्या की गलियों में घूमकर लोगों से खास बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि इस बदलाव को, इस विकास को, अयोध्या को लोग किस तरह से देख रहे हैं, उनके मन में आखिर है क्या। अदिति नागर की इस अविस्मरणीय रिपोर्ट में आपको वो देखने को मिलेगा जो आपने अब तक नहीं देखा है, वो पहलू समझने को मिलेगा जिसे आप समझना चाहते हैं, हर वो बारीकी आपको दिखेगी जो आप देखना चाहते हैं। सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है और अब नए युग की शुरुआत शुरू हो चुकी है और इंतजार की घड़ियां इस कदर हैं कि सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है। मैं अभी मौजूद हूं हरिद्वारी बाजार पर, हालांकि अब उसका नया नाम हो चुका है भक्ति पथ। मेरे इस तरफ हनुमानगढ़ी मंदिर है, तो ये पूरा वो बाजार है जहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी कुछ दिनों में नजर आएगा और ये पूरा बाजार अब इस तरह से जगमगा रहा है और शायद यहाँ का हर एक पत्थर और हर एक दुकान और यहाँ पर चलने वाला हर एक व्यक्ति केवल प्रभु श्री राम के नाम का ही जाप कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ सालों पहले जाएं, क्योंकि 2020 में इसके काम का जो निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन ये कुछ और तस्वीर थी और अब ये तस्वीर बदल चुकी है। हम कुछ लोगों से जिनकी दुकानें यहाँ पर सदियों से हैं, जिनके पुराने जो दो दो पुश्ती जो यहाँ पर काम कर चुके हैं, जिनके पूर्वज यहाँ पर दुकान और घर थे, अब वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, उन सभी से बात करेंगे। हमारे साथ आपका नाम क्या है? मनीष गुप्ता। मनीष जी, आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे तो हो गया है तकरीबन, मतलब पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है, पुश्त दर पुश्त। हमारी पैदाइश यहीं अयोध्या की है। तो आपसे मनीष जी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने अपने आंखों के सामने ये तस्वीर बदलती देखी है, अभी के क्या हाल है, आपके जब दुकान यहाँ पर बनी है उसके बाद की क्या स्थितियाँ हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो मतलब कि अयोध्या को लोग सिर्फ तीर्थ नगरी जानते थे, अब तो एक टूरिस्ट प्लेस के साथ में तीर्थ नगरी बन गई है। पहले तो लोग मतलब कि गांव देहात के लोग ज़्यादा आते थे, शहर के लोग और विदेशी लोगों को मतलब यहां के बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि बहुत पुराना मतलब अयोध्या जन्म स्थान है राम जी का। लेकिन अब क्या है कि उसको इस क्लेवर से बना रहे हैं कि लोगों का आकर्षण, अगर कुछ आता है मुख पर तो श्रीधर नाम आता है राम जी का और दूसरा आता है अयोध्या का। अब पहले की अपेक्षा अब में जो है बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले तो मेला हम लोग का होता था, जब भीड़ होती तभी हम लोग की दुकानदारी होती थी, लेकिन अब तो हर दिन मेला होता है, हर दिन राममय हो गया है। हर दिन मेला होता है, हर दिन राममय हो गया है, जो एक विवादित अयोध्या को विवादित माना जाता था, डर लगता था, लेकिन फिर भी भले ही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका पूरा मसला सुलट गया। अब आपको क्या वो विवाद, वो डर महसूस होता है? नहीं, कोई चीज का डर नहीं। क्या क्या महसूस होता है? अच्छा है, भविष्य को उज्जवल देखते हैं। उज्जवल है परिवार के लिए। अच्छा है। आपको क्या लगता है, आपकी भी यही दुकान है? बहुत अच्छी हो गई है अयोध्या, बहुत सुंदर हो गई है, और जो पहले लोग जिससे बैठे रहते थे फालतू बेगारी, अब उस टाइप में नहीं है, बाजार चलती है, दो पैसा सबको मिल रहा है, सब खुश है। यानी जिस विकास की बात होती है कि विकास होगा, तो अब उम्मीद है कि आने वाले 5-10 सालों में अयोध्या में वो विकास होगा जिस शायद उसके लिए आप अपने बच्चों को दिल्ली भेजते थे बाहर। जी हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम? हमारा अरविंद। अरविंद जी, आपको इस पूरे बदलाव और जो अब ये नए युग की शुरुआत है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया है, अब कोई मतलब जो है डर भय नहीं है, ना कोई मतलब जो है रात दिन चाहे जब आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह कैमरे लगे हैं, हर चीज़ हो गई है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। हाँ, कुछ खास बात, कुछ खास बदलाव आपने अपने अपने परिवार के, अपने बच्चों के या माता पिता के जीवन में, या वो कुछ कहानी किससे सुनाते हो, कुछ बदलाव देखा है? नहीं, पहले तो बहुत मतलब समझ लीजिए कुछ नहीं था यहाँ, एकदम जैसे गांव देहात के लोग आते थे और वैसे ही यहाँ लोग रहते भी थे, कोई मतलब विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, नया ढंग का अस्पताल था ना कुछ था, रेलवे स्टेशन था ठीक ठाक और कुछ था, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ।
बदलाव की बात होती है, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। नितेश कुमार गुप्ता। नितेश जी, बदलाव की बात हो रही है, लेकिन आपके लिए, आपके जीवन में, आपके बच्चों के, परिवार के जीवन में क्या बदला है? बहुत सारा बदलाव आ गया। अब ये पहले सोच लिए, ये महीना जो है मलमास का महीना कहते हैं इसको, खरमास का महीना, इसमें दुकान लोग खोलते थे लेकिन कभी बोहनी होता था, कभी बोहनी भी नहीं होता। आज ये पोजिशन का ऊपर वाले की कृपा, हनुमान जी श्री राम जी की, कम से कम लोग का 150 का 1000-2000 रुपया भी आ जा रहा, और इतनी पब्लिक आ रही, लोग देख के इतना प्रसन्न है जिसका कोई जवाब नहीं। फिर ये दुकान हम लोगों का पहले बहुत छोटा मतलब सड़क पर था, कंडेस्टर था, मेला वगैरह होता रहा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता था। अब ये मेला का मेला भी हो रहा है लेकिन आदमी को एहसास नहीं हो रहा कहाँ भीड़ आ रही है, कहाँ जा रही है। हाँ, हम लोगों का दुकान गया दुख तो है, लेकिन पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए ये हो गया, हम ही लोग मतलब दुख देखे, बच्चों का मेरा दुख नहीं होगा, आने वाला समय बहुत अच्छा ही होगा। बच्चों को दुख देना मतलब क्यों, अयोध्या से है? जी, अयोध्या से पहले ये क्या दुकानदारी नहीं होता था, इसी में पढ़ाई लिखाई, बच्चों का बीमारी से लेकर सब कुछ था। अब ये है, अब जो है अच्छा हो गया, जब आमदनी होगा तो लोग अच्छे अच्छे सोचेंगे, अच्छे अच्छे पहनाएंगे कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते रहे वो अब अच्छे अच्छे पहनेंगे, तो आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत उज्ज्वल। ये भी है कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने और बताएंगे कि अयोध्या से आए हैं तो शायद वो एक अलग बात होगी, अब पहले से अलग बात आप महसूस। पहले से काफ़ी, पहले की बात देखिए ऐसा ना, पहले उतना लोग केयर नहीं करते थे, अयोध्या से आए चलो कोई बात नहीं, आप क्या अयोध्या से आए, राम की नगरी से आए, सम्मान जी, बहुत सम्मान, सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, पहले ही मिलता था लेकिन अब तो जहाँ भी लोग नहीं जानते थे अब वहाँ भी लोग जानते हैं कि अयोध्या मतलब क्या है। आप सभी लोग लिफ्ट देते हैं। हाँ, जीवन समय पे ये जान लीजिए, जिस लड़कों का ब्याह शादी होने के लिए कहते रहे अयोध्या में क्या है, झोपड़पट्टी में क्या ब्याह करे, कमाने खाने का जगह नहीं। अब जो है लोग अयोध्या में अपनी बेटी देंगे, कहीं रामचंद्र जी के स्थान पे मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मेरा दामाद जो अयोध्या का है, तो इसलिए अब अयोध्या का बहुत वो हो गया। पहले का अपेक्षा नाथ बात के जाते थे, कहाँ से आ रहे अयोध्या से आए, खैर कोई उतना कैर नहीं करते, अब लोग कहाँ से आए भैया अयोध्या से आए, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, बताइए हमको कैसा बना कैसा है? बहुत सारा माहौल बदल गया है अब पहले का अपेक्षा। कहीं ना कहीं जो उत्साह चेहरे पर देखने को मिला है, इसकी अगर हम इन तमाम बातों का जिस निकाले तो उसकी बात यही है कि जिस तरीके से अब अयोध्या वासी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा मान बड़ा है, हमारा सम्मान बड़ा है, हमारे बच्चे अगर कहीं बाहर जाएंगे और ये बताएंगे कि अयोध्या से आए हैं तो उसकी तस्दीक अलग तरीके से होगी, उन बच्चों को अलग तरीके से मान सम्मान मिलेगा, और शायद वर्षों से भले ही हमें इंतजार था 500 सालों से कि किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कब होगा, लेकिन शायद यहाँ के लोगों को उस सम्मान का इंतजार था, उस आत्मनिर्भरता का इंतजार था, उस भविष्य के उज्जवल जिसकी कामना किया करते थे, शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी स्थिति आएगी, आज वो चेहरों पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ आदित्य नागर, अयोध्या।